वहाँ पर जब मैं वीडियो बना रहा था तो दो बंदे जबरदस्ती भड़क गए भाई। एडिडास की कॉपी, यहाँ पे नाइक की कॉपी, सब चीज की कॉपी मिल जाएगी यहाँ आके। देखता हूँ भाई कैसा है ये मलय डेजर्ट। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। सो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को लेके चल रहा हूँ सेंट्रल मार्केट में, जो कि पसर सैनी में है। तो आज के हम मार्केट में देखेंगे कि भाई कपड़े वगैरह कितने क्या सस्ते मिलने वाले हैं हमें। चीपेस्ट मार्केट बोला जाता है। सो लेट्स सी। दिस अ वेज या इनसाइड पोटैटो। पोटैटो या ओके वन वन या हाउ मच? वन रिंगिट। सो अभी मैंने ये गूजा लिया है। ये गूजा मतलब अपने यहाँ तो गूजा ही बोलते हैं इंडिया में इसे, लेकिन ये मीठा नहीं है, ये चटपटा वाला है। इसमें पोटैटो भरा हुआ है, तो अब मैं खा के देखता हूँ कैसा है। सही है यार, एक रंगत में लिया है मैंने समोसे, लेकिन वो नॉन वेज वाले समोसे हैं। जो इंडिया में मिलते वेज वो समोसे नहीं है। वेज भी मिलते हैं लेकिन पूछ कर खाना मलेशिया में। अगर आप वेजिटेरियन हो तो पहले पूछ लो कि भाई वेजिटेरियन है कि नहीं, उसके बाद ही खाना चालू करना। भाई यहाँ पे कम लोगों को ये इंग्लिश आती है, बाकी सभी लोग मले बोलते हैं। थ्री ओके वेलकम। सो अभी ये लिया है मैंने। व्हाट डू यू कॉल दिस नेम? बीका उबी। ओके ओके थैंक यू बीका उबी। सो ये डेजर्ट टाइप का है। सो डेजर्ट टाइप का ये, तो अभी मैं ट्राई करता हूँ बीका उबी। ये मले डेजर्ट है तो ठीक है, केक टाइप का है बीका उबी। तीन रिंगित पे किया मैंने, मतलब आप समझ लो कि 54 रुपीज़ पे किया मैंने इसके लिए। सही है कि गलत है? हाँ 54 रुपीज़ पे किया मैंने इसके लिए। Welcome nasi Arab, welcome। ये जलन बिरंगन स्ट्रीट है, यहाँ पर ये पूरी स्टॉल्स लगती हैं, ये आप देख सकते हो फूड की। लेकिन दिन में ये फूड, ये जो स्टॉल्स हैं दिन में ही रहती हैं, रात में बंद हो जाती हैं। अभी मैं आ गया हूँ बुकित बिंटंग के MRT स्टेशन पर। यहाँ से मुझे जाना है पसर सैनी, क्योंकि जो हमारा मार्केट है पसर सैनी वो जो हमारा सेंट्रल मार्केट है वो पसर सैनी में है, तो हमें पसर सैनी के लिए मेट्रो लेनी होगी। देखो भाई कितना ज़्यादा अंडरग्राउंड है ये। एक MRT है और अभी मैं कितना और नीचे जा रहा हूँ, काफ़ी नीचे है, काफ़ी अंडरग्राउंड है ये वाली MRT।
आ गया हूँ भाई मैं सेंट्रल मार्केट। अभी जस्ट उतरा हूँ मैं। पीछे है मेरे पसर सैनी का MRT और सामने है मेरे ये सेंट्रल मार्केट। भाई मार्केट में सबसे ज़्यादा लड़कियों के लिए कपड़े भर भर के मिल रहे हैं। लड़कियों के लिए तो कहीं कमी नहीं होती, हमेशा लड़कों के लिए होती है। बहुत सारी शॉप्स हैं यहाँ पे, मतलब मान लो कि 70-80% शॉप्स तो सिर्फ लड़कियों के कपड़ों के ही है। इस मार्केट में आपको ना स्पेशली जो मलेशियन ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं वो ज़्यादातर आपको देखने को मिल जाएंगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत कलरफुल कपड़े हैं और यहाँ पे सोविनियर शॉप्स भी बहुत ही ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं सोविनियर शॉप्स। आप हर कहीं देख सकते हो, अगर इंडिया कुछ ले जा रहे हो तो आप एक बार इस मार्केट को चेक कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारी हैं शॉप्स क्योंकि ख़रीदने के लिए, बट ये उतना भी सस्ता नहीं है जितना सस्ता मैंने सोचा था कि भाई बहुत सस्ता होगा ये, बट उतना ज़्यादा सस्ता नहीं है ये मार्केट। तो भाई मैं आ गया हूँ मार्केट से बाहर क्योंकि मेरे लिए कुछ ख़ास था नहीं है मार्केट और थोड़ा महंगा भी है, उतना ज़्यादा सस्ता नहीं है जितना मैंने सोचा था। तो अब मैं दूसरा मार्केट चेक करने के लिए जा रहा हूँ, वो भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर, पेटालिंग मार्केट, पेटालिंग स्ट्रीट मार्केट, वो जा रहा हूँ मैं मार्केट को चेक करने के लिए। यहाँ से सिर्फ 500 meters है वॉकिंग डिस्टेंस पर, तो पैदल ही पहुँच जाऊँगा मैं। स्पेशली यार अगर आप लड़की हो तो बहन यहाँ पर आके आप चेक कर सकती हो क्योंकि यहाँ पे लड़कियों के लिए बहुत अच्छे अच्छे आइटम्स आपको देखने को मिल जाएंगे, तो आप लोग चेक कर लेना यहाँ। बाकी हम लड़कों के लिए कुछ खास नहीं था, सिर्फ मेरे को दो तीन मिली थी अच्छी शॉप्स जहाँ पे टी शर्ट्स वगैरह अच्छी थी, बट वो काफ़ी ज़्यादा महंगी थी तो मैंने प्लान अवॉइड कर दिया। और अब मैं जा रहा हूँ दूसरे मार्केट को चेक करने के लिए। आ गया हूँ भाई पेटालिंग स्ट्रीट मार्केट, देखकर ही लग रहा है कि ये सस्ता है। यहाँ पर मैंने देखा अभी प्राइस और मुझे समझ में आ गया कि हाँ भाई ये मार्केट सस्ता है, तो मैं यही मार्केट आपको रिकमेंड करूँगा। अगर सस्ती शॉपिंग करनी है तो ये पेटालिंग स्ट्रीट मार्केट आओ। ये पूरा चाइनीज़ मार्केट लग रहा है मुझे, हाँ चाइनीज़ मार्केट है ये, तो यहाँ पर आप आ सकते हो सस्ती शॉपिंग करने के लिए। बहुत सारी शॉप्स हैं यहाँ पर, टी शर्ट भी 10-10 रिंगित में मिल रही है, मतलब 180 रुपये मिल रही है टी शर्ट, तो कौन सी बुरी है भाई। जूते चप्पल एडिडास की कॉपी, यहाँ पे नाइक की कॉपी, सब चीज़ की कॉपी मिल जाएगी यहाँ पे। काफ़ी बड़ा मार्केट है यार, बहुत बड़ा मार्केट है भाई, ये बहुत बड़ा मार्केट है यहाँ पे। ये तिल्ली के लड्डू मिल रहे हैं, ये देखो तिल्ली के रंग लड्डू है, ये 5 रिंगत के, 90 रुपए का पैकेट है वो। यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है कि आप बार्गेनिंग कर सकते हो, बार्गेनिंग करके ले सकते हो चीज़ें। मार्केट वाकई में बहुत ज़्यादा बड़ा है यार, सिंगापुर के मार्केट से बड़ा है। सिंगापुर के मार्केट में भी गया था मैं, वो मार्केट इतना बड़ा नहीं जितना बड़ा ये है। हेलो, हाउ मच इज दिस वन? हाँ ये दिस वन, घड़ियाँ हैं देखो भाई, यहाँ तो बहुत सारी घड़ियाँ हैं। 70 एंड दिस वन वन सेम प्राइस, ओके थैंक यू। 70 रिंगत तो बहुत ज़्यादा है। चप्पल आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारी, चप्पलों का तो बहुत कलेक्शन है यहाँ पे, रंग बिरंगी चप्पल ही चप्पल है यहाँ पे। बैग की कॉपी देखो भाई यहाँ पे, 5-5, 10-10 लाख के बैग की कॉपी यहाँ पे आपको मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। वॉच कलेक्शन, लेट्स चेक वॉच।
so many versions. सो अभी मैंने एक टी शर्ट खरीदी है 39 रिंगित बोल रही थी वो, तो मैंने बार्गेनिंग करके 25 रिंगित में ले ली है। प्रिंटेड कॉटन टी शर्ट है जो कि काफ़ी अच्छी है, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है उस टी शर्ट की। यहाँ पे भाई अभी दो बंदे वहाँ पर, जब मैं वीडियो बना रहा था तो दो बंदे ज़बरदस्ती भड़क गए भाई, कहने लगे नो वीडियो, डिलीट वीडियो विदाउट परमिशन, हाउ कैन यू मेक वीडियो, यू नीड परमिशन टू मेक वीडियो। मैंने कहा भाई मैं खुद की वीडियो बना रहा हूँ फेस कैम की, नो वीडियो, डिलीट। मैं मिस्टर बिन, बस ड्राइवर। नो थैंक्स। सो पहली बार मेरे साथ ऐसा मलेशिया में हुआ भाई, मैं इतने मॉल्स में वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ वीडियो बना रहा हूँ, वहाँ वीडियो बना रहा हूँ, अभी तो किसी ने नहीं टोका। सो गाइस मैं अभी मार्केट से बाहर आ गया था और मुझे ज़्यादा कुछ ख़रीदना नहीं था, तो इसलिए मैं मार्केट से बाहर आ गया। मैंने कहा चलता हूँ, मैं सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए गया था कि कैसा क्या मार्केट है वीडियो बनाने के लिए। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो भाई लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अभी और भी मलेशिया की वीडियो आने वाली है। मैं मलेका जाने वाला हूँ, जौहर बहरू जाने वाला हूँ, तो वहाँ की वीडियोस आने वाली है। सो फिर मैं मिलता हूँ आपको न्यू और एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए।